नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ट्रेवल साथी इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं रेड गो ट्रिप चैनल में। दोस्तों आज हम आपको एक लेकर आए हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर दरिंग बड़ी में, जो यह एक हिल स्टेशन है। दोस्तों यह हिल स्टेशन ऐसा है, यहाँ पर आप सर्दी के मौसम में आ सकते हैं घूमने के लिए, जो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दरिंग बड़ी घूमने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि यहाँ कैसे आना है, कितने दिन का प्लान करना है, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस पर घूमना है और यहाँ घूमने का कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों यदि आपको यहाँ पर रिजॉर्ट बुक करना है, होटल बुक करना है, तो आप बुक कैसे करेंगे। और दोस्तों यदि आपको यहाँ का ग्रुप टूर चाहिए, तो रेड गो ट्रिप के बोर्ड लाइन नंबर पर फोन जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ कि दोस्तों रेड गो ट्रिप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप यहाँ से रेड गो ट्रिप के वेबसाइट से फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं, बस की बुकिंग कर सकते हैं, होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बाकी अदर वेबसाइट से काफी सस्ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम दरिंगबड़ी की शुरुआत इसके परिचय से करते हैं। तो दोस्तों प्रकृति की शानदार पहाड़ियों, झीलों, झरनों और जंगलों का संगम अगर देखना हो तो आज हम आपको बताएंगे उड़ीसा के एक खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में, जो 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उड़ीसा की एकलौती जगह है, जहां सर्दियों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दरिंगबड़ी की। दरिंगबड़ी उड़ीसा के कंधमाल जिले में देवदार के घने जंगलों और बादलों से घिरी जगह है। दोस्तों इसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। खास बात तो यह है कि इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम होती है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों दरिंगबड़ी कैसे जाएं। तो दोस्तों अगर आप भुवनेश्वर से जाना चाहते हैं तो दोस्तों भुवनेश्वर के बरमूडा बस स्टैंड से दरिंगबड़ी के लिए प्रतिदिन बस जाती है, जो कि भुवनेश्वर से लगभग यह 250 किलोमीटर पड़ता है। अगर दोस्तों आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप भले किसी भी शहर से आ रहे हों, लेकिन दरिंगबड़ी का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन बरहमपुर रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों बरहमपुर रेलवे स्टेशन से दरिंगबड़ी के लिए हमेशा बस वगैरह ऑटो वगैरह आपको मिलती रहती हैं, जिसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने कार से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएँ कार से, अपनी कार से घूमना तो वहाँ पर बहुत ही मज़ा है। लेकिन दोस्तों मेरी कुछ सजेशन है अगर अपनी आप कार से जाना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि दोस्तों आप काफ़ी जंगल भरा रास्ता है यहाँ पे। जब भी आप आएँ अपने वाहन से तो अपने धीमी गति से वाहन चलाएं। अब देख सकते हैं फिर भी हमारा वाहन 54 की रफ्तार में चल रहा है। दिन में ही ट्रेवल करें, क्योंकि दोस्तों रात में बहुत सुनसान एरिया है, वह आउटर में पड़ता है, जंगली एरिया है। दूसरी बात कि फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आता, तो आप जल्दी कुछ सर्च करेंगे तो आप सर्चिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों काफी एडवेंचर रास्ता है, एकदम मजा आ रहा है। इस बस की लंबाई कम है। दरिंगबड़ी जाते समय रास्ता काफी थोड़ा सा एडवेंचर है, इसलिए देखे रहे बड़ी वाली बस आके रास्ते में यहाँ पर फंस गया है। तो जब भी अब आए थोड़ा इसका ध्यान रखें। बस ये सही बस है, इसको बहुत दिक्कत नहीं होगा और ये डेली आता जाता है, इसको सब आइडिया है। से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर से मोड़, हर जगह मोड़, मतलब पहाड़ को काट काट के पूरा रोड बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे घूमेगा गाड़ी, बड़ा गाड़ी यहाँ कहाँ घूमेगा। ये ना यहाँ पे इतने लंबे मोड़ पे सबसे ज्यादा वो फेल होते हैं ब्रेक। बाप रे बाप, बहुत मोड़ है यार, ऊपर से नीचे और अनट्रेन लोगों के आने का नहीं है गाड़ी लेकर। हाँ ये भी बात है। तो भाई यहाँ नौसुखुआ ड्राइवर नहीं लेके आ पाएंगे गाड़ी, ट्रेन ड्राइवर चाहिए। नहीं, नीचे से ऊपर जाने का भी सर। दोस्तों काफी ज्यादा देखिए ट्रैफिक है और ये बस से काफी सब सवारी उतारनी पड़ी तभी लोग आगे जा पा रहे हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि हम लोग जल्दी से आगे निकले, क्योंकि दरिंगबड़ी का काफी एडवेंचर भरा रास्ता है। दोस्तों दरिंगबड़ी का जंगल का एडवेंचर भरा रास्ता तय करके हम लोग दरिंगबड़ी आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दरिंगबड़ी घूमने के लिए कितने दिन का प्लान करना चाहिए और दोस्तों यहां पर होटल की बुकिंग कैसे करना चाहिए। दोस्तों हम जो इको यहां पे आते हैं, इको इमू पार्क में, तो यहां पे जो कॉटेज है और कुछ रेस्टोरेंट्स है, इसकी क्या बुकिंग्स है, इसके बारे में और भी आपको हम इन्फॉर्मेशन बताते हैं। 20 एकड़ का जमीन है,
रात पूरा कलरफुल रहता है, कैंपफायर होता है और म्यूजिक डीजे म्यूजिक बजता है। जो आएगा जो दारिंगबाड़ी से तो थोड़ा दूर है, बहुत डिसिप्लिन रहेगा, काम एंड क्वाइट रहेगा, रात पूरा कलरफुल रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। 5 रूम एसी रूम है, बाकी 6 ट्रिपल बेड है, 3 डबल बेड है। यहाँ का रहने का मजा कोई अलग का है, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। दोस्तों दारिंगबाड़ी में जो होटल है, नॉर्मल बजट के भी रूम यहाँ पर मिल जाते हैं, 500, 600, 700 रुपए के भी रूम मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आप थोड़ा पीक सीजन में अगर आएंगे सैटरडे संडे में, तो भीड़ यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलती ही है, वैसे आपको होटल मिल जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर लीजिए। अगर आप दोस्तों ऑफलाइन आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाते हैं, आप कहीं भी आप रूम की बुकिंग कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि दारिंगबाड़ी कैसे घूमना है और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आपको लेकर आए हैं दारिंगबाड़ी के, ये जो हमारा पॉइंट है नेचर कैंप है, और इसके बगल में हमारा है नेचर पार्क है, और इसी के पास में हमारा है हिल व्यू पार्क है। ये तीनों स्पॉट एक ही जगह पर हैं, और यह जो तीनों स्पॉट हैं ये दारिंगबाड़ी सिटी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और बाकी दोस्तों यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो था लवर पॉइंट्स था और हमारा इको पार्क था वहाँ पे। तो यहाँ का हम सारा वीडियो आपको दिखाएंगे। अब हम दोस्तों आपको तीनों स्पॉट एक एक करके घुमाते हैं। नेचर पार्क में एंट्री कर रहे हैं और इसका एंट्री फीस 15 रुपए पर पर्सन है। अभी हम अंदर आ गए हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा फव्वारा है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखिए रेनबो बन रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही यूनिक फव्वारा है यहाँ का। यह पार्क बहुत ही बेहतरीन बना है दोस्तों, यहाँ आप आकर बिल्कुल कश्मीर वाला फील ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों सर्दी के मौसम में आते हैं तो यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, यह ऐसी एक जगह बहुत ही सुंदर दृश्य है। नेचर पार्क घूमने के बाद दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा चाय का मजा ले रहे हैं, अब हम चलेंगे हिल व्यू पार्क घूमने के लिए। तो यहाँ का जो हिल व्यू पार्क है, यहाँ का एंट्री फीस 10 रुपए पर पर्सन है, और यहाँ का एंट्री गेट यहाँ से है। आपको हिल व्यू पॉइंट का और भी अंदर से नज़ारे दिखाते हैं दोस्तों। हिल व्यू पार्क फोटो शूट और प्री वेडिंग के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा अच्छे से घूमें। एक से एक सुंदर सुंदर दोस्तों यहां पर फोटो आती है, और बहुत अच्छे एंगल से आप यहां पर फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे अंदर देखिए काफ़ी अच्छा और भी व्यू होता है, आप जब यहाँ पे आते हैं तो फव्वारा भी देखने को मिलेगा दोस्तों, और ऊपर से यहाँ पे हम फोटो का भी व्यू ले सकते हैं। दोस्तों मैं नेचर कैंप नहीं जा सका घूमने के लिए बिकॉज कि मेरे पास समय भी कम था, और यहां से 0.8 किलोमीटर दूर पैदल भी जाना था, और मेरे पास एक दिन का प्लान था, इसलिए मैं नहीं जा पाया, मैं नेक्स्ट जगह गया घूमने के लिए। अब हम दोस्तों यहां से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर देखने जा रहे हैं लवर्स पॉइंट्स और इमू वर्ल्ड पार्क, तो चलिए आपको वहां का नज़ारा चल के हम आपको दिखाते हैं। जब हम लवर्स पॉइंट जाते हैं दोस्तों तो रास्ते में एक से एक अच्छा जगह आता है जहां पर आप अपने सुंदर सुंदर फोटो क्लिक कर सकते हैं, जैसे हमने भी दोस्तों कुछ फोटो अपने क्लिक किए हैं। आपको दिखाते हैं इमू पार्क। इमू पार्क के अंदर हम लोग आ गए हैं। यह दोस्तों इमू पार्क एक प्राइवेट फर्म है जो यहाँ पर बनाया गया है टूरिस्ट को देखने के लिए, और इसका जो एंट्री फीस है वह 10 रुपीज पर पर्सन है। दोस्तों इस पार्क में आपको घूमने के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है, और कुछ यहाँ पर टेंट वाले कॉटेज वगैरह भी होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग ही वीडियो में दिखा दिया, और यहाँ पर आपको इमू भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप बिल्कुल आइए और इस जगह पर आप इंजॉय कीजिए। तो अभी हमने घूम लिया जो है इमू पार्क, तो बताइए कैसा लगा आपको इमू पार्क? बहुत अच्छा लगा। क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। तो इमू पार्क देखने के बाद अब हम चल रहे हैं लवर्स पॉइंट्स देखने के लिए, तो कैसा लग रहा भाई? बहुत। तो अब जल्दी चल रहे हम लोग लवर्स पॉइंट देखने के लिए।
दोस्तों लवर्स पॉइंट पर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि यह ऐसा जगह है जहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हैं, अपने मनपसंद अपना भोजन बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं। हम लवर्स पॉइंट पर आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहाँ पर लोग अपना अपना अलग अलग पिकनिक का मज़ा ले रहे हैं। और इधर चल रहे हैं, हम दिखा रहे अभी और भी आपको लोग यहाँ पर क्या क्या गतिविधि कर रहे हैं यहाँ पर। और एक ये बेहतरीन जगह है जहाँ आप अपना पिकनिक मना सकते हैं दोस्तों। यहाँ लवर्स पॉइंट पर अगर आप आते हैं तो अद्भुत मज़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कितना पार्टी कर रहे हैं। पूरा हरा भरा एकदम जंगल से भरा हुआ, जंगल के बीच ये झरना है और मैं यहाँ का आपको पूरा गतिविधि दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लोग काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, सब तरीके से यहाँ पर हर तरीके की गतिविधि हो रही है दोस्तों। लोग अपना पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं और हमने कुछ अच्छे अच्छे अपने फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए। अगर आप यहां आते हैं घूमने के लिए तो आप भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए एंजॉय करने के लिए दरिंग वड़ी में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने लवर्स पॉइंट्स और इमू पार्क यहाँ पर देख लिया दारिंगबाड़ी का। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट दिखाएंगे और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है दारिंगबाड़ी। दोस्तों कॉफी प्लांट पे हम आ चुके हैं और यहाँ का जो एंट्री फीस है वो 10 रुपए पर पर्सन है। कॉफी प्लांट की एंट्री है, यहाँ से एंट्री गेट है कॉफी प्लांट। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये कॉफी प्लांट है, यहाँ पे इसकी एंट्री है, 10 रुपए पर पर्सन की एंट्री फीस है यहाँ पे। अंदर से दोस्तों यह बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ घूम सकते हैं, एक अच्छा समय बिता सकते हैं, एक नेचुरल ब्यूटी का दोस्तों आप मजा ले सकते हैं। अगर इस जगह का मजा लेना हो तो आप जरूर आइए दोस्तों। हमारे पास सिर्फ एक दिन का समय था तो हमने एक दिन में ही पूरा जल्दी जल्दी सभी प्लेसेस को घूम लिया, लेकिन दोस्तों आप दो दिन का प्लान करके आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करेंगे दोस्तों। हम अपनी तरफ से आपको एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश किया है। अगर आपको हमारी इस वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार नए आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल वाला घंटा जरूर दबा दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टूरिस्ट प्लेस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।